हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सोएब अंसारी, आप देख रहे हैं सी एच डी वेलनेस। हाजिर हूँ मैं और एक नए वीडियो के साथ में। आज की टॉपिक है हमारा रिंग वॉर्म, यानी जिसे हम लोग दांत भी बोलते हैं। दोस्तों, आज हम दांत के बारे में प्रॉपर उसके बारे में बात करेंगे, कारण का, लक्षण का, प्रिवेंटेशन का और उसका ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दांत के बारे में। दोस्तों, जो दांत है वो आपका बाहरी हिस्सा में एक रिंग बन जाएगा। रिंग के बीच का जो एरिया है दरदरा होगा और लाल सा होगा और उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होगा और रात को खुजली बहुत ज़्यादा होती है और कई पेशेंट खुजा खुजा के खून निकाल देता है और कई पेशेंट इसके लिए कई जगह से ट्रीटमेंट ले चुका होता है और ले रहा होता है, आराम मिलती है, फिर से जाती है, बहुत सारा क्रीम्स लगा लेता है, बहुत सारा दवाई खा लेती हैं, उसके बाद भी पेशेंट को पूरी तरह से ये रिंगवॉर्म जाता नहीं है। आराम तो मिलता है, फिर हो जाता है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और दूसरी बात इसका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होने का कारण क्या है। दोस्तों देखिए, ये रिंगवॉर्म बेसिकली जो हमारा बॉडी का गीलापन यानी मॉइस्चर को बड़ा मोहब्बत है फंगल इन्फेक्शन से। फंगल इन्फेक्शन जहाँ भी आपको गीलापन होगा वो फंगल इन्फेक्शन वहाँ से फैलना चालू हो जाएगा, वो अपने आप को डेवलप करना चालू हो जाएगा। देखिए, होंगे आपने कहीं ब्रेड आप बहुत ही लंबा टाइम के लिए छोड़ दीजिए, वहाँ मॉइस्चर आएगा, ब्रेड के अंदर में एक वाइट सा फंगस बन जाता है। या फिर रोटी भी कहीं रख के छोड़ दिया आपने, आप बाद में देखें तो रोटी में एक फंगस, वाइट सा फंगस बन जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों, जो हमारा बॉडी का फोल्डर एरिया और जो गीला रहने वाला एरिया है वहाँ से फंगस हमारी स्टार्ट होती है, चाहे वो नीचे का एरिया हो, चाहे वो हमारा यहाँ का एरिया हो, चाहे वो कमर के पास का एरिया हो, चाहे हमारा गर्दन के पास एरिया हो, तो इन एरिया से जो है कि हमारा स्टार्ट होता है फंगस होना। और ये दोस्तों स्किन टू स्किन फैलता है, यानी कि किसी को अगर पहले से फंगस है तो आपको हो सकता है, किसी के जानवर से आपको हो सकता है, मिट्टी में काम करने वाले इंसान को सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को सकता है, डायबिटिक पेशेंट को सकता है। दोस्तों, ओवरवेट जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, उनको ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और किसी को एनामिया यानी खून की कमी है या फिर विटामिन डिफिशेंसीज हैं या फिर किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों, अगर हम इसका बात करें लक्षण का, तो लक्षण ये होता है कि बताया आपको मैंने कि एक रिंग बनता है, रिंग सब तरफ से थोड़ा थोड़ा उठा हुआ रहता है और बीच में दरार रहता है, रेड होता है और इसमें इचिंग बहुत होती है और रात में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये इनका लक्षण है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसका डायग्नोस का, तो डायग्नोस दोस्तों डॉक्टर हमेशा आपका फिजिकली यानी देख के ही बता देगा आपको ये रिंगवॉर्म है। डायग्नोस का कोई खास ब्लड टेस्ट या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत इतना नहीं पड़ता डॉक्टर को, वो फिजिकली चेक करके आपको बता देगा। अब आते हैं इसका दोस्तों प्रिवेंटेशन पे, इसका बचाव कैसे करें। दोस्तों, अगर आप चाहते कि आपको रिंगवॉर्म कभी ना हो, दांत कभी ना हो, तो आप अपना बॉडी को गीला कभी ना छोड़ें। आपको लगता है कि बहुत पसीना आता है तो उसके लिए कॉटन कपड़ा पहने आप और रात को कपड़ा चेंज करके पहने आप और अपने कपड़े को प्रेस करके पहने आप और धोने के बाद में धूप में सुखाएं उसको, यानी कि हाइजीनिक मेंटेन करें, अपने आप को पूरा साफ सुथरा रखें और जो है कि हवा जिसमें हवादार कपड़ा हो, यानी कि जो कपड़ा ऐसा हो कि आपको टाइट फिटिंग वाला कपड़ा ना हो, कॉटन हो जिससे आपका जो है कि बॉडी में चिपके ना। और अपना खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान दें और साथ में जो है कि आप जो भी कोई भी जो है कि क्रीम हो, कोई भी तेल हो बॉडी में ज़रूर लगाएं ताकि वो आपकी बॉडी जो है कि मुलायम रहे। तो दोस्तों, ये था प्रिवेंटेशन। अब दोस्तों, अगर इसका हम बात करें ट्रीटमेंट का, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए। मैं आपको कारण बता दिया, लक्षण बता दिया, प्रिवेंटेशन बता दिया, बचाव कैसे बता दिया आपको मैंने। अब मैं इसका जो ट्रीटमेंट बताऊंगा वो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, कल वो मैं आपको डाल दूंगा। उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट बताऊंगा कि जो दवाई खा के आते हैं वो ठीक क्यों नहीं होते, उसके बारे में बताऊंगा और पूरा दवाई बताऊंगा क्या दवाई चलना चाहिए और कितना दिन चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।